ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आज के राशिफल के बारे में। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का राशिफल। दोस्तों आपका प्रयास आपको आज अच्छी कामयाबी दिला सकता है। यदि आप राजनीति में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहने की संभावना आज अच्छी बन रही है। आज आपको अचानक धन प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसमें आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों समय आज का उतार चढ़ाव से भरा रहने के बावजूद भी अच्छा रहने वाला है। मुश्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच में खुद को घिरा हुआ पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास आज सफल हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा तनाव भी आज दूर होगा। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज कार्यभार की अधिकता रहेगी, जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपने प्रयासों से आपको कार्यों में सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। व्यवसाय में धन लाभ और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। उच्च अधिकारी आपके कामकाज से आज प्रसन्न रहेंगे। प्रॉपर्टी में आज आप निवेश कर सकते हैं, यह आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों भ्रम भय व पीड़ा की स्थिति आज उत्पन्न होने के पूरे आसार बने हुए हैं, इसलिए आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने आप को तनाव मुक्त रखने की पूरी कोशिश करें और किसी प्रकार की टेंशन ना लें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें।